स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान करना, वक्त पर ना खाना या अनहेल्दी खाना, हद से ज्यादा रात तक जागना, ये सब हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन अपनी ऐसी भी कुछ आदतें हैं जो दिखती बड़ी साधारण सी हैं, पर अनजाने में हमारा काफी नुकसान कर देती हैं। तब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आस्क ए गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी छींक को रोकना। कभी कभी हम बार बार छींकने से तंग आके या पब्लिक में छींकने से शर्मिंदा होना नहीं चाहते, इसीलिए अपनी छींक को रोक देते हैं। लेकिन शायद आप अनजाने में आप अपने आप को शर्मिंदा होने से बचा के शारीरिक खतरे में डाल रहे हो। छींक इसीलिए आती है ताकि शरीर के वायरस, बैक्टीरिया, शरीर में गई धूल या अन्य कीटाणुओं को बाहर छींक द्वारा निकाल फेंकने के लिए मदद करती है। और जब आप इस छींक को रोकते हैं तो सिर्फ ये सब कीटाणुओं को अंदर ही नहीं रहते, इससे कई ज्यादा नुकसान आपके शरीर को भी होता है। सोचिए, अगर एक बंदूक से चलने वाली गोली को बाहर आने से रोके तो क्या होगा? ऐसा ही कुछ आपके शरीर के साथ भी होता है। जिस ताकत के साथ छींक बाहर आती है, उसी ताकत के साथ छींक अंदर भी चली जाती है और आपके सुनने की क्षमता, आपका ब्लड प्रेशर और आपके अन्य निकायों को भी भारी नुकसान पहुंचा सकती है। शायद हमेशा छींक को रोकने से नहीं, पर ये थोड़ा थोड़ा नुकसान एक बड़े नुकसान को तो जन्म दे सकती है। टूथपिक का इस्तेमाल। टूथपिक से आप दांतों में जमे बचे हुए खाने को निकालते जरूर है, पर ये आपके मसूड़ों यानी कि आपके गम्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए डॉक्टर भी टूथपिक का इस्तेमाल को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते। इस जगह आप डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तकिए पर मुंह रख के सोना। ये आरामदायक तो है, पर इतनी अच्छी पोजीशन भी नहीं है नींद पूरी करने के लिए। आपके ब्लड सर्कुलेशन को खराब करती है, आपके सांस लेने की प्रक्रिया भी ठीक से नहीं होती है। और अगर ये इतना काफी नहीं है तो ऐसे सोने से तो झुर्रियां भी आपके चेहरे पर बन जाती हैं, और वो भी हमेशा के लिए वैसे ही हो जाती हैं। अगर आप ऐसे सोते हैं तो झट से आप अपने आईना चेक कर लीजिए, आपके चेहरे पर शायद बहुत सारी झुर्रियां होंगी। और अब आप जान गए हैं इसकी वजह, पीठ पर सोना ही सबसे अच्छा माना जाता है। दांतों से छिलका निकालना। अगर आपको दांतों से छिलका निकालने की आदत है तो आप अपने दांतों को और गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय को खतरे में डाल रहे हैं। छिलके को निकालने का सबसे अच्छा तरीका हाथों से है, दांतों से नहीं। बहुत गर्म पानी से सिर को धोना। अगर आपको बहुत ज्यादा अधिक गर्म पानी से नहाने की आदत है तो ये जान ले कि सिर पर इतने गर्म पानी को डालने से आप आपके दिमाग के ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाओं को हानि पहुंचा रहे हैं। इससे आपको सिर दर्द और चक्कर आ सकते हैं, और इसके अलावा ये बालों में मौजूद ग्लैंड्स को उत्तेजित करता है और बाल तेजी से गंदगी पकड़ लेती है और इन्हें बार बार साफ करना पड़ता है। लेट के पढ़ना। आपकी माँ ने आपको ऐसा करने से शायद बचपन में कई बार रोका होगा, लेकिन आपने शायद ज्यादा इसके असर पर ध्यान नहीं दिया होगा। ये असल में बहुत ही हानि पहुंचा सकती है। हमेशा ध्यान रखें कि लेट के पढ़ते वक्त किताब को आंखों के ज्यादा नजदीक ना पकड़े, अपने पीठ को सीधा रखें, साइड से लेट कर बुक ना पढ़े, नहीं तो आपके आंखों को परेशानी होगी और चश्मा भी लग सकता है। पेट पर लेटना भी अच्छा नहीं होगा, इससे पेट पर भी काफी ज्यादा असर हो सकता है। उंगली कटते ही मुंह में डालना। क्या आपको पता है कि आपके मुंह में 600 से अधिक तरह के कीटाणु पाए जाते हैं? इसमें कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो आसानी से आपके शरीर में इन जख्मों से जा सकते हैं और ये कटे घाव से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए अपने जख्मों पर उचित दवाई या क्रीम लगाए, न कि मुंह में डाले या फूंक मारे, ये घातक भी हो सकता है। किसी के कानों में फुसफुसाना। क्या आपने फुसफुसा के बात करते वक्त अपने गले पर जोर पड़ते हुए अनुभव किया है? तो जी हाँ, ये एक अच्छी बात नहीं है। इससे उन्हें तकलीफ होती है, और जिनको बहुत ज्यादा बात करना होता है, जैसे कि एक न्यूज रीडर, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट या फिर एक रेडियो जॉकी, इनके लिए फुसफुसा के बात करना बहुत बुरा हो सकता है। बाथरूम में फोन का इस्तेमाल। सिर्फ फोन ही नहीं, न्यूज़पेपर या टाइम पास करने के लिए कोई भी चीज का इस्तेमाल बुरा है, क्योंकि हम अगर बाथरूम के टॉयलेट सीट पर 5 मिनट से अधिक समय बिताए तो इससे हमारे नसों पर जोर पड़ता है। और फोन स्पेशली बुरी है बाथरूम में, क्योंकि फिर आप इसे बाथरूम के बाहर कीटाणुओं के साथ लेके आते हैं और ये सब जगह फैलते हैं।
तो ये तो बड़ी लंबी लिस्ट थी, लेकिन ऐसी आदतें थी जो हमें बड़े ही मासूम सी लगती थी पर थी नहीं। और इसके अलावा और भी कुछ आदतें हैं जो दिखती साधारण सी है लेकिन हानिकारक होती है, तो कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।